बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सबकी लंबी उम्र करे, आमीन सुमा आमीन। मेरे प्यारे बहन भाई, आज मुहर्रम का पहला दिन है, सोग के दिन है, अफसोस के दिन है, और आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ यकीनन आपको ये मेरा काम पसंद आएगा, और मेरी कोशिश है ये 10 दिन हैं मुहर्रम के, तो ये मैं 10 दिन मुकम्मल काम करता रहूं, तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। मैं अभी उधर जा रहा हूं ये काम करने, और आप सब ने हमारे साथ जुड़े रहने हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना। जैसे कि आपको पता है अल्लाह पाक ने मुझे एक ज़रिया बनाया है हमारे जैसे गरीब बहन भाइयों का, तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता, जैसे कि मतलब इंटरटेन होने के लिए फैमिलियाँ चली जाती हैं, यूट्यूबर चले जाते हैं अपनी फैमिलियों को लेकर इधर उधर घूमने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा सकता, क्यों कि मैं एक अपने गरीब बहन भाइयों का ज़रिया बना हुआ हूँ, और काफ़ी मेरे माएँ बहनें भाई अंकल आउट ऑफ कंट्री में हैं, तो वो जो मतलब गरीबों के लिए डोनेशन भेजते हैं और मुझे बा अमानत उन तक पहुँचानी होती है, जो काम मेरे ज़िम्मे लग जाए, और मेरी कोशिश होती है कि मैं वो काम ज़िम्मेदारी से करूँ, तो इसलिए बाकी अल्लाह पाक खैर करे आज का काम भी आपको पसंद आएगा। आप सब ने हमारे साथ जुड़े रहने हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना। और जैसे कि आपको पता है 2-3 दिन हो चुके हैं हमारे घर आए हुए हैं जी मेहमान, और बेगम साहिबा ने अभी उनको खाना दिया है, और बेगम साहिबा भी अभी ये देखें अंदर बैठ के खा रही है, और वो बाहर छपरे के नीचे बैठे हैं, तो ये देखें बेगम साहिबा खाना खा रही है, और हैं हाँ जी मैंने खा लिया है, आप सलाम दुआ करें फिर मैं जाऊँ उधर। हाँ जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, और अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो चले उधर सारा इंतजाम हो गया उधर? हाँ जी, मैंने आप पंखा तो चला दें अल्लाह के बंदे। अच्छा मैं चलाता हूँ, मैं चला देता हूँ मेरे प्यारे बहन भाई, अब उधर चलता हूँ, उधर का माहौल आपके साथ चल के शेयर करता हूँ। और हाँ मेरे प्यारे बहन भाई, ये जो आज मैं काम करने जा रहा हूँ ये किसकी तरफ से है ये भी आपको बता दूँ, एक हमारे बहुत ही अच्छे अंकल जी हैं बाहर मुल्क पे रहते हैं, ये जिम्मेदारी उन्होंने छोड़ी है मेरे सर पे, और इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी मैं पूरे 10 दिन निभाऊंगा, और अल्लाह पाक ने ये मेरी ड्यूटी लगा दी, इंशाल्लाह ये ड्यूटी 10 दिन इंशाल्लाह मेरी लगी रहेगी, और इंशाल्लाह अच्छे से निभाएंगे। अब उधर चलता हूँ, उधर का माहौल आपके साथ चल के शेयर करता हूँ। अच्छा जी माशाल्लाह यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और सबसे पहले हमने इंतजाम करना है बर्तनों का और छाँव का, ये देखें जी ये सामान जा रहा है अभी, टेबल बर्तन और एक हमें टेंट लेना पड़ेगा छाँव के लिए यहाँ से, ये देखें जल्दी करो भाई साहब। उठाओ भाई उठाओ 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 जल्दी करो। ये देखें जी माशाल्लाह, ये हमने जगह डिसाइड की है, ये चौक की जगह है, चारों तरफ जो है ना रास्ता है माशाल्लाह, ये रास्ते की जगह है, इस साइड में भी इस साइड पे भी इस साइड पे भी इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। भाई साहब प्यारे भाई इसे बराबर रखना, बराबर ऊंचा, ऊंचाई इनकी बराबर होनी चाहिए भाई। चले जी माशाल्लाह सामान वाली गाड़ी आ गई है, चीनी की बोरियां हैं ये मैंने बुक करवाई हैं, भाई साहब जल्दी करो जल्दी। ध्यान से भाई ध्यान से, ठीक करके रखो ठीक करके, हाँ बस मेहरबानी भाई, हाँ गाड़ी इधर ले आओ इधर। थोड़ी आगे आगे, बस भाई साहब बस 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 बस
इधर उतारनी है, इधर ये शॉपर के ऊपर, ये शॉपर बिछाया हुआ है। बस बस कर दो भाई, बस कर दो भाई प्यारे, बस कर दो, इधर ही उतार दो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह हो गई भाई। खोलो खोलो इसका मुँह खोलो। Thank you.
अच्छा जी मेरे प्यारे बहन भाई, ये सारा इंतज़ाम सबील का, और ये देख सकते हैं इस साइड पे बोरियां पड़ी हैं, जामे श्री पड़ी है, और ये सारा इंतज़ाम अकबर अब्बास हुसैन की तरफ से है। ये भाई अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, इस भाई के लिए आप सब ने दुआ करनी, अल्लाह पाक से जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मेरे प्यारे बहन भाई, इस भाई के लिए ख़ास तौर दुआ करनी है, अकबर अब्बास हुसैन के लिए। ये देख सकते हैं ये सारा इंतज़ाम किए गए हैं अकबर अब्बास हुसैन की तरफ से। सबको दो भाई साहब, सबको दो। माशाल्लाह टीम बड़ी एक्सपर्ट है, ये देखें टीम के मेंबरान माशाल्लाह घूम रहे हैं जगों में सबील लेके, ये देख सकते हैं जी। सबको दो भाई, सबको दो, सब पी के जाए माशाल्लाह। ये लंगर सबील खत्म नहीं होती, ये सारा दिन चलेगी इंशाल्लाह। ये सिलसिला इंशाल्लाह पूरे 10 दिन चलेगा।